नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों एसआर मीडिया चैनल में। फ्रेंड आइए आज हम लोग बात करते हैं एड गुरु के बारे में। एड गुरु ने अपना पे आउट बंद कर दिया। जी फ्रेंड, आपने सही सुना, एड गुरु ने अपने पे आउट बंद कर दिया। ये सब कंपनी मार्केट में आता है, लुभाने वाले प्लान लाता है, फिर धीरे धीरे जैसे इनका कोटा फुल हो जाता है तो अपना पे आउट बंद कर देता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, किसी कंपनी का अकाउंट का प्रॉब्लम, किसी कंपनी में ज्यादा पैसा लग जाने से भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये सब कंपनी बहाना देता है कि इतना आदमी ज्वाइन कर लिया कि उनने हद से ज्यादा, तो आरबीआई पूछ रहा है भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ गया, इसलिए उनका अकाउंट सीज हो गया। तो दोस्तों सुनिए, ये सुनने में अजीब लगता है कि इनका कंपनी में ज्यादा आदमी ज्वाइन कर लिया, अकाउंट में पैसा ज्यादा आ गया, इसलिए आरबीआई ने ये सीज कर लिया। तो ये सब चीज आप लोगों को पहले पता नहीं है क्या? आपका लिमिटेशन कितना है, कितना आदमी आप लोग ज्वाइन ले सकते, कितना पैसा आपका अकाउंट में रह सकता है? आप इतना बड़ा कंपनी है, आप लोगों को पता नहीं है क्या? तो ये सब चीज दोस्तों सुनने वाली बातें हैं। तो एड गुरु ने अभी फरवरी महीना से लगभग लोगों का पेमेंट नहीं दिया है, इसमें ग्राहकों को कोई दिक्कत हो रहा है। चाहे आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कंपनी खुलने से पहले इसका सोचना चाहिए। तो इसमें घुमा फिरा के ग्राहकों को कोई दिक्कत होता है, जो कंपनी के ऊपर भरोसा करके अपना पैसा लगाया, उसका पैसा अभी कब आएगा, आएगा भी कि नहीं, इसके बारे में कोई क्लियरिटी अभी नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड सुनने में आ रहा है कि इसका लगभग अप्रैल महीने तक, अप्रैल लास्ट तक इसका पे आउट स्टार्ट होने का एक उम्मीद जताया जा रहा है फ्रेंड। तो और भी सुनने में आ रहा है, कोई बहुत सारे भाइयों ने अपना पेमेंट बंद होने के कारण कुछ जगह में एफआईआर कर चुका है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो चलो कुछ भी हो, कंपनी को अपना जो अपडेट सिस्टम होना चाहिए, कंपनी का जो अपडेट सिस्टम होना चाहिए, नहीं होने के कारण कंपनी में पे आउट का प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या है, बहुत सारे लोग इधर उधर से लेके पैसा लगा, उसको आप पैसा यहाँ से नहीं मिलेगा तो आगे वो कैसे पैसा देगा? तो ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है कंपनी के। आप लोगों से मेरा निवेदन ये है, ये सब कंपनी के ऊपर भरोसा मत कीजिए दोस्तों। ये सब कंपनी शुरू में तो अच्छा पैसा देता है, बाद में ये बाइक बोर्ड कंपनी भी आया था, शुरू में अच्छा पैसा दे रहा था भाई, बाद में अभी पेमेंट नहीं दे रहे, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लाया, लेके आ गया, चेक दे रहे, बहुत सारे ऑप्शन लेके आ गया, अभी बाइक बोर्ड कंपनी का भी पे आउट बंद है फ्रेंड। हेलो टैक्सी ले लीजिए फ्रेंड, हेलो टैक्सी का भी अभी लगभग ही हाल है, कंपनी का पे आउट बंद है, या चल रहा है, घुमा फिरा के बहुत सारे प्रॉब्लम बता रहा है वो। तो अभी तीसरा नंबर आ गया ये एड गुरु के बारे में। तो फ्रेंड ये एड गुरु कंपनी भी अपना पे आउट बंद कर लिया, तो किस लिए पे आउट बंद किया, क्या है नहीं, कंपनी को सामने आके खुल के वो क्लियरिटी देना चाहिए, तभी आपका ग्राहकों को विश्वास होगा। फ्रेंड हम एड गुरु के खिलाफ नहीं है, लेकिन ग्राहकों को क्या दिक्कत हो रहा है वो हम अपना यूट्यूब चैनल के जरिए भी उनको बताना चाहते हैं। अब कोई ग्राहक आके तो आपको सीधा सीधा नहीं बता रहा है, किसी का घर दूर में है, किसी का कोई तीसरे के जरिए यहाँ पे अपना पैसा लगाया। तो इसलिए मेरा कहना ये है फ्रेंड, आप हमारा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।